मैं मानता हूँ कि ये देश में रहने वाला हर नागरिक सक्षम है, उसे देश के प्रति तो सभी को देश के प्रति सम्मान और सच्ची श्रद्धा रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो नागरिक बहुत ही सक्षम है, जो संस्थाएं हैं या फिर बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं, ये सभी ने अपने संपत्ति के कुछ हिस्सा ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धा, थलसेना, जलसेना, वायुसेना के प्रति सम्मान की भावना अगर रखे तो ये देश एक जाज्वल्य देशाभिमान रखने वाला देश बन जाता है। हम सब जानते हैं इसराइल का नाम हम लेते हैं, फ्रांस का लेते हैं, अमेरिका का लेते हैं, ये सभी देशों में सबसे पहले देश प्रेम आता है। और ये देश प्रेम क्यों आता है? अगर देश मजबूत है, देश एक देश की एकात्मता एकात्मता की भावना सर्वोपरि है, तो हम सब मिलते हुए ये देश को मजबूत बना सकते हैं। और इसके लिए हमारा प्रयास लगातार पूरे देश भर में चलते रहता है। मैं स्वयं प्रवास करता हूँ, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह पर बैठा हूँ। राजस्थान से लोकोवाल की सरहदों पर जहाँ पर सैनिकों ने अपने प्राण दिए हैं, उन सैनिकों के परिवार को मैं उनके प्रति संवेदना जताता हूँ, सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखता हूँ। और एक देशभक्त मुझे लगता है हम सभी ने अपने कर्तव्य के साथ साथ ये भी एक कर्तव्य मानते हुए सैनिक और अपने थलसेना, जलसेना और वायुसेना के प्रति सच्ची श्रद्धा अगर रखिए तो देश आने वाले समय में निश्चित रूप से एक शक्तिशाली देश बनेगा। माता की जय, वंदे मातरम।